हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। ये जो व्लॉग है, पहले वाला ही जो व्लॉग गया हुआ है, आपको मिला था, उसी व्लॉग से मैंने कंटिन्यू किया था। क्योंकि जैसा कि मैंने खाना पीना बना लिया था, पर इनको फ़ोन किया तो इनका आने में काफ़ी लेट था, तो मेरे पास टाइम था। उस टाइम को मैं सोची थी चलो यूज़ कर लेती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से, आप लोगों को पता ही है, मैं इस रैक को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब सोच रही थी कि आज करूँ आज करूँ आज करूँ, तो सो फिर मेरे को ऐसा लगा कि जब तक ये नहीं आ रहे हैं ना, तो मैं ये फटाफट से कर लेती हूँ। क्योंकि ऐसा कुछ खास तो करना नहीं था, बस मुझे न्यूज़पेपर चेंज करने थे। क्योंकि यहाँ के सारे बर्तन डेली मेरे मंजते हैं, एक भी गिलास नहीं रहता, एक भी कटोरी नहीं रहती, प्लेटें भी इवन, मतलब मैंने उतने ही निकाले हुए, मोस्टली मंज ही जाते हैं। तो इसीलिए जस्ट मुझे न्यूज़पेपर ही चेंज करना था, तो फिर मैंने कहा क्यों ना। और फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपके साथ क्यों ना शेयर करूँ। पर मुझे पता था रात हो गई है, तो मैं ब्लॉग तो शायद पूरा मेरा ये कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। पर फिर भी मैंने कुछ सोचा कि चलो नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करती हूँ। जो भी मैं करती हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ। इसमें कोई चीटिंग नहीं करती हूँ मैं कभी भी, कोशिश करती हूँ। तो बस यही रात में, अब मैंने क्या किया था, ऊपर के बर्तन पहले मैंने नीचे रख दिए थे, फिर उसमें न्यूज़पेपर लगा दिया, और फिर अब नीचे के कुछ ऊपर रख दिए, कुछ साइड में रख दिए हैं। और अभी इस रैक को मैंने खाली कर लिया, और इसमें एक कपड़ा मारूंगी पहले पूरी रैक पे न्यूज़पेपर हटा के, और फिर उसमें दोबारा से न्यूज़पेपर मैं नए वाले बिछा दूंगी। और इस तरीके से ही मैं ये सारी रैक्स क्लीन करूंगी। सबसे ऊपर वाली मेरी रह गई है, तो वो मैं बाद में करूंगी, क्योंकि उनके बर्तन मुझे मांजने होंगे, क्योंकि उसमें सारे सिर्फ कांच के बर्तन रखे हुए हैं, तो उसको मैं फिर बाद में करूंगी, उसमें टाइम लगेगा। तो मैंने कहा चलो इतनी रैक तो मैं कर ही देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं कोशिश यही करती हूँ जितना हो सके उतना फैलाऊँ, ज़्यादा ना फैलाऊँ। पहले मैं ऐसा करती थी, तो मैं सच में कहूँ तो मेरे ऊपर ही उल्टा आता था, इसलिए बस मैं उतना ही आजकल करती हूँ जितना मेरे से हो पाए। मैं धीरे 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 क्लीन करती हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा हिस्सा ही करना क्यों ना हो, क्योंकि कौन सा कोई त्यौहार वगैरह तो है नहीं कि भाई मुझे 2 दिन में ही ख़त्म करना है सब कुछ। सो इसी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा ही कर लेती हूँ। तो जैसे ये काम ख़त्म किया मैंने अलमारी का, इतने में ये आ चुके थे, और बस फिर खाना देने जा ही रही थी। जैसे कि आपको पता है मैंने दाल पालक बनाया था, तो दाल पालक, और मैंने उनको बड़ा ही खुशी हुई कि हाँ चलो अच्छा है दाल पालक। मैंने कहा ना उन्हें हरी सब्जी हो जिसमें पौष्टिक ज़्यादा हो ना चीज़ें, वो उनको सब्ज़ियाँ अच्छी लगती हैं। तो फिर कहते नहीं यार मुझे चावल भी खाने हैं साथ में, तो मैंने दाल पालक और रोटियों का तो सब कुछ कर रखा था, पर फिर चावल रखे हुए थे मेरे पास। सो फिर मैंने कहा चावल रखे हुए, तो कहा कि उन्होंने कि फ्राइड राइस कर, मतलब उसको चावलों को सिर्फ फ्राई करना है। तो मैंने जस्ट तेल डाला, जीरा डाला, और उसमें से प्याज डाल दी है, और जब प्याज बिल्कुल हो गई मेरी, तो मैंने फिर ये चावल ऐड कर दिए। और ये चावल मतलब मेरे पास है ना, एक्चुअली जो फ्राइड राइस वाले मसाले होते हैं वो नहीं था, और ये कहते नहीं वो डालना है। तो फिर मैंने क्या किया क्या ना, मेरे पास एक मैगी का शैशे पड़ा हुआ था, जो मैगी के पैकेट के अंदर आता है वो वाला शैशे पड़ा था, और मैंने फिर वो ही डाल दिया। जस्ट कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक ऐड किया था जरा सा, वो भी हल्का सा बस, और वो मसाला डाल दिया, और इसे बस ऐसे ही फ्राई कर दिया अच्छे से। मतलब तेज़ आंच पे मैंने फ्राई किया इसको। पता है चावलों को तेज़ आंच पे अगर हम फ्राई करते हैं ना, तो एक स्मोकी स्मोकी सा टेस्ट आता है, जो आपने बाहर भी जैसे चाउमीन भी हमेशा तेज आंच पे बनती है ना, उस तरीके का। और सच में ये चावल है ना बहुत ही अच्छे लग रहे थे, मेरे लिए तो बचे भी नहीं थे, एक चम्मच बस मैंने इनकी थाली में से खाया, और सही में बिल्कुल मैगी जैसा स्वाद आ रहा था, और बढ़िया लग रहे थे चावल। मतलब कई बार है ना क्या होता है ना, तुक्का भी काम दे जाता है।
तो जल्दी जल्दी में मैंने ये किया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। और अब मैंने रोटी बनाने की तैयारी करी, तो इनको पानी के हाथ की रोटी चाहिए थी। जैसा कि मेरे हाथ में मतलब चोट है ही अभी, मतलब मैं ज़्यादा झटका नहीं दे सकती, ऐसे ठप ठप नहीं कर सकती, जोर लगता है तो हाथ में होता है दर्द। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब आटे को अच्छे से मतलब मथने के बाद ना, फिर मैं चकले पे हल्का सा ऑयल लगा लेती हूँ, चकले और बेलन पे, फिर उसको थोड़ा आधा सारा बढ़ा लेती हूँ, और एक शेप देने के लिए मैं उसको हाथ से ठक ठक कर देती हूँ, तो मेरी रोटी काफ़ी अच्छी बन जाती है। और इधर ये इनकी चालू हो रखी है, और बिल्कुल पानी जैसी तो नहीं, पर फिर भी काम चलाओ हो जाते हैं, रोटी में टेस्ट आ जाता है, मतलब लुक वाइज वैसी ही दिखती है। तो मैं कुछ इस तरीके से ही बनाती हूँ, और सच कहूँ तो मुझे ये रोटी बनाना अच्छा लगता है। वैसे मेरी शेप नहीं आती है ऐसी रोटियों बनाने में, हाथ से जब मैं करती हूँ तो बिगड़ जाती है शेप, पर पता है आटा नहीं फैलता ना फिर सूखा सूखा, तो बिल्कुल क्लीन क्लीन रहती है किचन। तो ये है थाली आज की, मैंने लगा दी है, रोटी है और दाल पालक है, चावल है, एक अचार है। तो आज की थाली जो है वो ये है, पहली थाली हमेशा इन्हीं के लिए लगती है, सो आप भी खा लीजिए। तो काम वगैरह सारा हो चुका है, खाना पीना सबने खा लिया है, ये भी आ चुके हैं, इन्होंने भी खाना खा लिया है। और सही में कहूँ तो चावल काफी अच्छे लगे थे। आप भी कभी ट्राई करना, मैगी का जो शेषे होता है ना वो डाल के देखना, सही में मैगी जैसा टेस्ट लगता है। और बस काम मोस्टली फिनिश हो गया आज, एक ही दिन में मुझे दो वीडियो शूट करनी पड़ गई। एक्चुअली जा नहीं रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार शेयर करना बनता है, तो इसी वजह से, क्योंकि काम काफी रहता था, सो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से शेयर कर दूं। और मुझे बस आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। एक्चुअली मेरा कोई मतलब नहीं बनता, सो बनता भी है मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, पर आप लोग जानते होंगे दीपक दिया खन्ना चैनल को, तो मतलब मैं उनकी वीडियोस देखती हूँ, काफी वीडियोस देखती हूँ, मैं उनकी काफी लाइफ से प्रेरित भी हूँ। कुछ चीजें हैं जो मेरे घर में कुछ इस तरीके का है जो उनसे सिमिलर है, तो मैं उनसे काफी इजीली कनेक्ट भी होती हूँ। और मैं जो वो सरवाइव कर रही हैं, जो वो सुनती हैं, जो बहुत कुछ है जो मतलब मैं उन सबको कनेक्ट कर पाती हूँ, तो सो मुझे वो काफी अच्छी लगती हैं। और उनकी एक बेटी है, मुझे बहुत प्यारी लगती है, और वो जिस तरीके से अपने आप को स्टैंड कर रही हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो बहुत इंडिपेंडेंट है। तो अब पता नहीं क्यों मैं उनके मतलब उनकी वीडियोस देखती हूँ, तो आए दिन उनके वीडियोस में कमेंट होते हैं, वो भी कई बार वीडियो बना के बताती हैं कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही, पर कुछ लोगों के कमेंट हैं जो शायद मैं आंसर दे दूं तो उनको परेशानी ना होगी। तो बहुत से लोग उनको कमेंट करते हैं क्यों फालतू में मतलब यूट्यूब पर आई हो, क्यों फालतू में टाइम पास कर रही हो, इंडिपेंडेंट बनो, अपना काम करो, माँ बापों के ऊपर बोझ बनी हुई हो, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं बहुत ज्यादा। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है इनकी हिम्मत कैसी हो जाती है किसी को भी जिसको वो पर्सनली जानते हैं। यार आप लोग सिर्फ हमें वीडियो के जरिए तो जानते हैं, आप हमारी पर्सनल लाइफ को कितना जानते हैं? मेरे ख्याल से तो आप 50% भी नहीं जानते होंगे, मेरे ख्याल से तो, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं जो चीजें हम शो करते हैं, कुछ चीजें होती है नहीं शो करते। कुछ हम अभी हम आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है हम आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं पर हमारे दिमाग में, हमारे मन में बहुत सी बातें, बहुत से ख्याल, बहुत सी घर की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, तो बहुत चीजें होती है। तो आप लोग हमें मतलब फिर आप किस बेस पे हम लोगों को जज कर ले, तो मुझे ये नहीं समझ में आता। तो उनको मतलब हमें ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। एक्चुअली मैं पहले बता दूं, मैं उनसे इसलिए कनेक्ट हो पाती हूँ क्योंकि जो मेरी सिस्टर है, मेरे से जो छोटी है, तो हम तीन बहनें हैं और एक भाई है, तो मैं फर्स्ट मतलब मैं बड़ी बहन हूँ, मेरे से जो छोटी दूसरे नंबर की बहन है। एक्चुअली उसकी शादी हुई थी और उसका मतलब उनके हस्बैंड अच्छे नहीं थे, मतलब उनकी नहीं बनी, मार पिटाई बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अलग ही हिसाब किताब था उनका। तो उन्होंने मतलब हमने फिर उससे डिवोर्स दिला दिया, वो नहीं लेना चाह रही थी, फिर बहुत टाइम तक उनको फिर समझ में आया मेरी सिस्टर को, तो फिर उसने डिवोर्स ले लिया। पर और वो उनका भी एक बेटा है, मतलब मेरी बहन का एक बेटा है, और वो मम्मी के पास ही रहती है, मम्मी के पास रहती है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं सोच सकती कि वो बोझ बनी हुई है। अगर मैं मेरे को अभी टाइम नहीं मिला है, नहीं तो मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। मेरी जो सिस्टर है उसके दो इंस्टीट्यूट है, दो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट मीन्स एक ही चीज का नहीं है,
ऑल पर्पस, अगर दिल्ली वाले, दिल्ली के जो अगर लोग होंगे वो जानते होंगे, दिल्ली में ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जिसमें कटिंग, स्टिचिंग, कंप्यूटर, टेलरिंग, मेहंदी, पार्लर वगैरह, जहां एक ही जगह पर ये सब कुछ सिखाया जाता है, इस टाइप के उसके दो इंस्टीट्यूट हैं और उसने अपने बलबूते पे खड़ा किया है, अपने बलबूते पे। तो मैं तो नहीं मान सकती कि अब मान लो मेरी मेरी शादी हो रखी है तो मैं तो नहीं कर सकती ये सब। उसने अपने अकेले में पहले उसने सर्विस की, ऐसे ही इंस्टीट्यूट में उसने सब चीजें ध्यान, मतलब ध्यान दिया, सब चीजें सीखी, फिर उसने आज अपने बलबूते पे दो इंस्टीट्यूट खड़े कर सकते। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है? ऐसे ही अगर मैं दिया खन्ना की बात, जो दिया खन्ना चैनल है उनकी अगर मैं बात करूं, उन दी की अगर मैं बात करूं, दी ही बोलूंगी, मुझे उनको रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है शायद वो मुझसे छोटी होंगी पर मैं दी ही बोलूंगी क्योंकि उनकी जो उनकी बातों, उनकी उनसे मैं काफी इंस्पायर हूँ। उनकी बातों से उनकी हिम्मत को मैं दाद देती हूँ और मतलब उन सब चीजों के लिए मैं बहुत मतलब इसलिए मेरा मन करता है कि उनको दी बोलने का। तो वो अलग बात है पर मैं उनको दी ही बोलूंगी। तो उनकी जो क्या है ना, उनके हस्बैंड का कोई अपना काम था तो वो भी देखती हैं, ठीक है। वो यूट्यूब चैनल अपना करती हैं, अपनी स्टडी भी अब कंटिन्यू करेंगी धीरे धीरे, अपने बच्चों को करती हैं। यार अपने घर में रहती हैं वो, ऐसा नहीं है कि मम्मी के घर पे रहती हैं, पर देखो यहाँ पे भी मेरी सिस्टर को मेरे भाई ने ही बोला हुआ है क्योंकि मेरे पापा जी पहले मेरे पापा लेके आए थे पर मेरे पापा जी की जब डेथ हो गई तो मेरे भाई ने बोला जब तक मैं हूं ना जब तक तेरे को कोई कमी नहीं होने दूंगा। पर वो अपना खा रही है, अपना कमा रही है, अपना सब कुछ कर रही है पर रह रही है, ऐसा नहीं है। उसने अभी अभी रिसेंटली अपना घर भी ले लिया है। और ऐसे ही तो मैं तो फिर जब उन लोगों उनको कहते हैं दूसरी शादी कर लो तुम या फालतू में, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ पर YouTube पर कहीं पे मतलब ऐसी गाइडलाइन तो नहीं देखी मैंने कि यहाँ पे सिर्फ जिनके हस्बैंड हैं वो ही YouTube पर आ सकते हैं, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत सुखमय है वो ही YouTube पर आ सकते हैं, जिनकी शक्लें बहुत सुंदर हैं, जिनके घर बहुत बड़े बड़े हैं वो ही YouTube पर आ सकते हैं। मैंने तो ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं सुनी। तो पता नहीं क्यों लोग उनको यूं क्यों कहते हैं कि मतलब आप यूट्यूब पे फालतू काम करती रहती हो, झाड़ू पोछा दिखाती हो। यार झाड़ू पोछा सभी लोग दिखा रहे हैं ना, सभी अपनी लाइफें शेयर कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी नहीं, मैं तो नहीं मानती। आप यही आप रश्मि जी को ले लीजिए, वो भी तो यही सब दिखाती हैं फिर भी उनको लोग पसंद करते हैं ना। और या फिर आप सोनालिका को ले लीजिए, प्रियंका को ले लीजिए, इंडियन यूट्यूबर प्रियंका को ले लीजिए, कितने यूट्यूबर्स हैं जो इसी स्ट्रगल से निकल के ही वो आज इतने बड़े उस पर पहुंचे हैं। तो आप फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं? मतलब ऐसे ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं कि मतलब फालतू में शक्ल नहीं है, बुरी सी शक्ल की है, वो बोलना नहीं आता, इतना बोलती है, ये नहीं, अपने माँ बापों पे बोझ है, दूसरी शादी कर ले, या जॉब वॉब क्यों नहीं कर लेती, ये नहीं कर लेती। यार वो आप लोगों से पूछ कर करेगी जो भी करेंगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है इनको, किसी को भी। मैं हम अपनी बहन को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करते किसी भी चीज के लिए, हम सिर्फ उससे एक बार पूछते कि शादी के लिए, तो पहले उसने मना कर रखा था, अब हम बोलते हैं तो तब क्या बस कहती है देखी जाएगी, होगा तो हो जाएगी। हम तो उसको कभी ऐसे फोर्स नहीं करते हैं, वो अपना खर्चा, अपना पहनना ओढ़ना सब अपने का करती है, यहाँ पे भी तो यही हिसाब किताब है। तो प्लीज ऐसे है ना घटिया कमेंट है ना करना बंद कर दो यार, किसी को भी मैं तो बस इतना ही कहूंगी कि घटिया कमेंट करना बंद कर दो, जरा उनकी लाइफ पे गौर करो शुरू से आज तक, मैं देखना उन्होंने क्या स्ट्रगल किया क्या नहीं। और पति होना ना होना भगवान के हाथों में होता है, हम लोगों के हाथों में नहीं। और जिंदगी तब भी चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि वो है तो ही हमारी जिंदगी चल रही है, वो नहीं होगा तो हमारी जिंदगी थम जाएगी। अगर वो अपने आप को नहीं संभालेंगे तो वो अपनी बेटी को कैसे संभालेंगे? तो उनको स्ट्रांग तो होना पड़ेगा ना। और एक YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि हस्बैंड हो, घर हो, ना हो, शक्ल हो, सूरत हो, कपड़े हो, ना हो, कि आप आ नहीं सकते। सिर्फ आपने गट्स होने चाहिए, ठीक है ना, आप में गट्स होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कैमरा फेस करने की, लोगों को अपने अपने बारे में बताने की, बस इतना ही काफी है, ठीक है। बस मेरे को तो सिर्फ इतना ही कहना था। तो और वो आप लोगों की सोच है कि आप कैसे कैसे कमेंट करते हैं, सोच इतनी गंदी रखते हैं दूसरों के, और खासकर औरतें ही, औरतों
के बारे में ऐसी गुचर पुचर करती है, ऐसी गलत गलत बातें कहती है, मतलब औरत होके औरतों को ऐसा कहती है, शर्म नहीं आती है? पता नहीं कैसे लोग हैं, मुझे तो शर्म आती है। मैं कभी नहीं सोचती थी यार कि इतना भी गंदा, मतलब लोग बाग बताते थे, पर यार किसी की फीलिंग्स तो समझो। एक बंदा इतना इतना अच्छा उनको मोटिवेट करता है, दूसरा बंदा वहीं पे उसको नीचे गिरा देता है। यार तुम लोगों का एक बार लिखना होता है, हमारे पूरे दिन घूमते रहते हैं तुम्हारे कमेंट, तो प्लीज आना थोड़ा सा अपने आप पे बीत के देखिए। आपके साथ तो हस्बैंड, मेरे ख्याल से ना हम लोगों के साथ हस्बैंड है तो हम इतना करते, उनके साथ कोई भी नहीं है तो वो हमसे भी ज्यादा कर रही है, ठीक है? तो हिम्मत, उनकी हिम्मत बनिए यार, उनको कमजोर मत बनाइए, ठीक है? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, किसी को बुरा लगा हो तो प्लीज लगे, क्योंकि ये बात ही ऐसी है, तो इसमें मैं कभी भी कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि बुरा लगना चाहिए। आप इतना गलत गलत बोलेंगे तो ऑब्वियसली जब हमें लग सकता है तो आपको तो लगना ही चाहिए जिन्होंने बोला है। सो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।